मौलाना कलीम सिद्दीकी यांना केलेली अटक ही माणुसकीला काळीमा फासणारी असून उत्तर प्रदेश सरकार आपली अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी असले कृत्य करत असल्याचे सांगत जमियत उलेमा ई हिंद आष्टी शाखेच्या वतीने आष्टी तालुक्यातील मुस्लिम समाजाच्या वतीने तहसीलदार आष्टी यांना गुरुवार दिनांक 30 रोजी निवेदन देण्यात आले. मौलाना कलीम सिद्दीकी यांची तात्काळ सुटका करा, अन्यथा मुस्लिम समाज पर्यायी आंदोलन करेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आलाय. या प्रसंगी मुक्ती शफीक पठाण, मौलाना अजहर, मौलाना अब्रार, डॉक्टर शेख नदीम, तय्यब भाई, मौलाना हारून, मौलाना अफसर, अस्ताक भाई, इस्माइल सय्यद, सय्यद रहमान आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रतिनिधी संदीप जाधव सह कैमरामैन अनिल मोरे, आष्टी. मैं अपने मेहमान की मेहमान नवाजी ना कर सका, वो बंदा खामोशी से दूसरी तरफ से देख रहा है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम करते क्या है. अगर कोई और दूसरा होता तो शायद उनके लिए रास्ता कुछ और इख्तियार किया गया होता. उस वक्त तो अल्लाह के रसूल के अनुयायी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबा, जो अल्लाह के रसूल के लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार थे, बहुत कुछ कर सकते थे. लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ना किसी को कुछ करने का हुक्म दिया, ना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कुछ आपने खुद एक्शन लिया. अल्लाह के रसूल खुद अपने ऊपर कह रहे हैं कि मैं इस मेहमान का मैं ख्याल नहीं रख सका, इस मेहमान की मैं मेहमान नवाजी ना कर सका, इसके लिए ये बेचारा परेशान हो गया, इसका पेट ख़राब हो गया और मैं इसकी तीमारदारी ना कर सका. अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा. जब उसने ये सारे हालात देखे, अल्लाह के रसूल के सामने आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी ना कर सका. अजीज़ो, वो बंदा पैरों पर गिर गया और पैरों पर गिर कर कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. ऐ मोहम्मद, तुम सच्चे नबी हो, तुम अल्लाह के सच्चे. सलाम का ये खासा है. नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास. अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहीं पर भी ये नहीं फरमाया कि जो मुसलमानों के लिए बेहतर है. मैं उदाहरण देना चाहता हूँ और इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो इस्लाम को अलग नज़रिए से देखते हैं उनके लिए पैगाम है मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का, और खुला पैगाम है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का. खैरुन नास मन यनफउन नास. अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि लोगों में, सर्व मानव जाति में, सारे इंसानों में जो इंसानों के लिए बेहतर है, जो इंसानियत का काम करता है, जो इंसानियत के लिए लड़ता है, जो इंसानियत के काम आता है, वो इंसान सब में बेहतर इंसान है. बुजुर्गो दोस्तों, आज जो ये हमारा आंदोलन है, एहतजाज है, इसकी वजह क्या है? وبه نستعين قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. बुजुर्गो दोस्तों, बोलो बोलो तुम बोलो. आज जो ये हमारा आंदोलन है, एहतजाज है, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि एक हमारे आलिम हज़रत मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहुमुल आलिया को गैर कानूनी तरीक़े पर गिरफ़्तार किया गया है, सलाखों के पीछे डाल दिया गया है. याद रखिए, ख़ास इस मुल्क के अंदर उलमा ने कुर्बानियाँ जितनी दी हैं उससे ज़्यादा कुर्बानी किसी और ने नहीं दी है. उलमा की लाशों को दरख्तों के ऊपर लटका दिया गया, उलमा को जेल में ठोस दिया गया, उलमा को गर्म तेल में डाला गया. उलमा की मेहनतों से, उलमा की कुर्बानियों से यह हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ है. अंग्रेज़ों ने जो हम पर जुल्म किए, अंग्रेज़ों ने जो हमारे पूरी कौम पर, पूरी इंसानियत पर जो जुल्म ढाए हैं, जुल्म की चक्की में जो हमें पीसा है, उनके जुल्म से निकालने में हमारे उलमा का सबसे बड़ा किरदार है. उनसे बड़ा किरदार किसी का नहीं है. दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर लाहौर तक आप अगर तारीख का मुताला करें, तमाम उलमा की लाशों को फंदे से लटका दिया गया था. उन्होंने अपने जानों का नजराना पेश किया
अपनी औलादों को कुर्बान किया इस वतन अजीज के लिए, सब कुछ इन उलमा ने किया। आज उन्हीं उलमा के उरसा को, उन्हीं उलमा को आज सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। और कौन से उलमा? ऐसे उलमा जिनका कोई भड़काऊ भाषण नहीं, जिनका पैगाम, जिनकी जबान हर वक्त पयाम इंसानियत का नारा देती है, जिनका कहना मौलाना कलीम सिद्दीकी ने 40 साल इस कौम की खिदमत की। और याद रखिए, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ, मौलाना कलीम सिद्दीकी की हर दुआ हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए हर वक्त उनकी दुआ है, सबके लिए दुआ करते हैं। और उनका पैगाम यही है कि हिंदुस्तान में सब मिलकर रहे। ऐसे इंसान जिसकी कोई गलती ना हो, जिसने कोई अपनी जबान से कानून के खिलाफ कोई बात ना की हो। आगे आओ ना इम्तियाज भाई, अबरार भाई आगे आओ ना, सब लेके आओ ना, सब किधर आओ सब, बोलो ना बात करो। तुम थोड़े पैसा उल्टा पकड़ो ना, तो साथ ही आगे आएंगे। तुम थोड़े पीछे जाओ, जाओ इधर सर, तुम आ गया हो ना इधर। एक मिनट, फौरन भेजने को बोलो हाफिज साहब, फौरन। आज आष्टी येथे जमीते उलमा हिंद सिद्दीकी यांच्या सुटकेसाठी आज तहसीलदार या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे, तर आपण जाणून घेऊ आपण त्यांच्याकडून सविस्तर माहिती काय सांगणार आहे सर। आमचं म्हणणं एवढंच आहे की मौला कलीम सिद्दीकी साहेब यांना जी त्यांची जी गिरफ्तारी झालेली आहे अवैध गैरकानूनी आहे, तर त्यामुळं त्यांनी लवकरात लवकर त्यांना रिलीज करावं, लवकरात लवकर त्यांची सुटका करावं। गव्हर्नमेंटनं जे काही आपले कामं आहेत, खास करून योगी गव्हर्नमेंट यांचे जे कामं आहेत, तर काहीच नाहीत, तर ते काही आपलं हगरं लपवण्यासाठी दुसऱ्याच्या डोक्यावर तलवार ठेवायची असले काम आहेत। तर आमचं म्हणणं एवढंच आहे की मौला कलीम साहेब यांना लवकरात लवकर रिलीज करण्यात यावं, ही आमची विनंती आहे गव्हर्नमेंटची। आज जमीते उलमा ए हिंद या आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून प्रशासनाला आपण काय मागणी केलेली आहे? हिंदी में तो नहीं आता है, हिंदी में बात करो। आज के इस आंदोलन और एहतजाज से हम योगी हुकूमत से खुसूसन ये मुतालबा करते हैं कि जो उन्होंने हमारे मौलाना मोहम्मद कलीम साहब सिद्दीकी और उनके जो दो साथी है उनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया है, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वो जल्दी से उनको रिहा करें और इसके आगे उलमा किराम को गिरफ़्तार करने से बाज आ जाए। बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो वाकया पेश आया है हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी और दीगर उलमा किराम के मुतालिक, ये ऐसी साजिशें करना, ये हमारे भारत के जो एकता है इसको तोड़ने वाला अमल है। ये अमल ऐसा है जिसके अंदर से जातिवाद ज़्यादा निर्माण होगा और ऐसा काम के जिसके ज़रिए से इल्ज़ाम कुछ लगाए जा रहे हैं और तहकीक करने वाली जो तंजीम है ATS, मतलब इस देश के अंदर कानून का कोई नाम ही नहीं रखा, कानून के मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये समझता हूँ कि देश फिर से ग़ुलामी की तरफ जा रहा है, और ग़ुलामी से बचने के लिए जिस तरीके से हमारे देश के क्रांतिकारियों ने कुर्बानियाँ दी थी, फिर से हम इंशाअल्लाह उन कुर्बानियों को देने के लिए तैयार हैं, और वो कुर्बानियाँ देंगे इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्ल इस भारत के अंदर फिर से वो माहौल के अंदर रहेगी जिस माहौल के अंदर आज़ादी के बाद से लोग सुकून के साथ रहा करते थे, या अंग्रेज़ों के पहले से जो है। तो इस मुल्क की जो पहचान है जिसको तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ रहकर अपने
अपने जो है तो मज़हब के ऊपर अमल करते थे और सब एक दूसरों की खुशियों में शामिल हुआ करते थे, लेकिन आज का ये माहौल इस बात का सबूत दे रहा है कि हम जो है तो अलग अलग हो चुके हैं, ये मुल्क एक नहीं बल्कि बढ़ चुका है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस तरीके के वाकया जो हुकूमत के अंदर जो ऐसे जहर रखने वाले लोग हैं वो समझे और इस मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करें बजाय इस तरीके की हरकतों के। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज जमीते उलमा हिंद या सामाजिक संघटनेच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन दिलेलं आहे, तर आपल्या समोर आहेत डॉक्टर नदीम। सर काय सांगणार आहेत आपण? आज आम्ही मौलाना कलीम सिद्दीकी जे भारतीय मुस्लिम धर्मगुरू आहेत यांना ATSद्वारे जी अटक झालेली आहे, निश्चितपणानं ती राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून द्वेष भावनेनं कसलाही कायद्याचा उल्लंघन नसताना, कसलाही गुन्हा नसताना, फक्त मुस्लिम समाज या एका शब्दाच्या नावाखाली त्यांना अटक झालेली आहे। नेहमी आम्हाला आमचे हे दुर्दैव आहे भारताचं, इथे संविधानाचं उल्लंघन होत आहे आणि आपल्याला हे उघड्या डोळ्यांनी सगळ्यांना बघावं लागतं आहे। भारतीय मुस्लिम या हा या देशाचा मूळ घटक आहे आणि त्याला नेहमी सर्वोच्च पदावरून जर कोणी राजकीय व्यक्ती आम्ही यांना कपड्यावरून ओळखतो असे जर शब्द वापरत असतील तर हे निश्चितपणानं दुर्दैव आहे। कपड्यावरून नाही, आम्हाला कर्मानं ओळखावं अशी आमची प्रामाणिक इच्छा असेल आणि ही झालेली अटक याचा आम्ही निषेध करतो। तमाम मुस्लिम समाज लहान अबाल वृद्धांकडनं आज आम्ही निषेध नोंदवलेला आहे। आमच्या मुस्लिम धर्माखाली होणारी मॉब लिंचिंग असेल, अटक असेल किंवा कायद्यात अटकवण्याचे जे काही कट कारस्थान राजकीय प्रेरणेनं होत असतील त्या सर्व गोष्टींचं आता आम्हाला ज्ञान झालेलं आहे, आम्ही जागृत झालेलो आहोत। आम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून कायद्याचा अभ्यास करून कायद्याच्या अभ्यासाअंती कायद्याच्या मार्गानं कायदेशीर मार्गानं आम्ही आमचा लढा पूर्ण चालू ठेवणार आहोत। लवकरात लवकर मौलाना कलीम सिद्दीकी यांची मुक्तता करावी, त्यांना कैदमुक्त करावं आणि कायद्यावरचा थोडा थोडा उठत चाललेला विश्वास कुठंतरी पुरवत होण्यासाठी आणि मुस्लिम समाजानंही तितक्याच आपुलकीनं प्रेमानं आणि आपलं समजून या भारतात राहावं यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असू। टिपू सुलतान ब्रिगेड महाराष्ट्रच्या वतीनं मी आव्हान करतो की प्रत्येक तहसील जिल्ह्याच्या ठिकाणी हे निवेदन देण्यात येत आहेत, जे राहिले असतील तेही देतील आणि इथून पुढची लढाई जर आम्हाला लवकरात लवकर न्याय मिळाला नाही, मौलाना कलीम सिद्दीकी यांची जर मुक्तता झाली नाही तर आम्ही कायदेशीर मोठा लढा उभा करू। आणि तहसील कार्यालय आष्टी या प्रांगणात जमण्याचं कारण म्हणजे आमचे अकाबिरीन उलमा मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना उमर गौतम, मौलाना जहांगीर या तिघांना ज्या पद्धतीनं अमानुषपणे ATSने UP गव्हर्नमेंटमधले जे ATS अधिकारी आहेत त्या लोकांनी ज्या पद्धतीनं अटक केली कुठलंही कारण नसताना, कसलाही भडकाव भाषण न देता आणि कुठलंही कोणत्याही धर्माच्या भावना न दुखावल्या तरी पण एक अमानुषपणे त्यांच्यावर जे आहे हात टाकलेला आहे, त्या गोष्टीचा आम्ही सर्व मुस्लिम समाज जमियत उलमा हिंद आणि सर्व मुस्लिम बांधव निषेध करीत आहोत। मला या ठिकाणी एवढंच सांगायचं आहे आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून, पत्रकारांच्या माध्यमातून, की देशामध्ये ज्या पद्धतीनं हे सरकार फेल झालेलं आहे आणि ह्यांची नीती फेल झालेली आहे आणि ते लपवण्याकरता कुठंतरी जातीय तेढ निर्माण करायचा, लक्ष ड्रायव्हर्ट करायचं, मुंबईमध्ये 21,000 कोटीचं ड्रग्स सापडलं त्याच्याकडं कुणाचं लक्ष नाही, ना कुठली मीडिया त्याला दाखवत आहे। दुसरीकडं महंतगिरी यांची खून हत्या झाली ते सुद्धा कुठली मीडिया दाखवत नाही, का झाली कमून झाली। आणि तिसरीकडं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहेबचा कसलाही अपराध कसलाही गुन्हा नसताना त्यांना अटक करण्यात आली आणि जी चौकशी येत आहे त्या चौकशीमध्ये सांगण्यात येत आहे की ती जबरन धर्मांतर करीत आहे, पैशाचं लालच देऊन धर्मांतर करीत आहे आणि याचा खुलासा कुठेही झालेला नाही। याच्या उलट दुसऱ्या समाजातील लोकांचे कित्येक तरी व्हिडिओ असे आले की त्यांनी सांगितलं कुठल्याही पद्धतीनं ते चुकीच्या मार्गानं धर्मांतर करीत नव्हते किंवा बळजबरीने पैशाचं लालच देऊन धर्मांतर करीत नव्हते। जर कोणी त्याच्या स्वइच्छेने त्याचा धर्म त्याला बदलायचा असेल तर याच्यात गैर काय, एवढंच सांगू इच्छितो। आणि यापुढे जर असे जे काम केली जातील आणि मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखवली जातील तर त्याला जशा तसं उत्तर देण्यात येईल आणि भविष्यात याचे दे तीव्र पडसाद ही उमटतील हेही या चॅनलच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो। लवकरात लवकर UP गव्हर्नमेंटने आमच्या मौलाना अकाबिरीन यांना ते
जेलमधून रिहा करावी आणि त्यांची जामीन मंजूर करावी एवढीच या ठिकाणी मी सरकारला सांगू इच्छितो आणि थांबतो. आत्ताच आपण पाहिलेलं आहे की मुस्लिम धर्माचे धर्मगुरू मौलाना सिद्दीकी यांना अटक केलेली आहे, तरी यू पी सरकारने त्यांना लवकरात लवकर जामीन मंजूर करावा अशी त्यांनी तहसीलदार मार्फत निवेदन दिलेलं आहे. नसता त्यांना जामीन नाही झाली तर मोठ्यात मोठं आंदोलन ते या ठिकाणी करणार आहेत. तर पाहत राहा तेज वार्ता न्यूज नेटवर्क. कॅमेरामॅन अनिल मोरे, संदीप जाधव, आष्टी.